सुबह की सर बस्ता हवाओं में लिपटा तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल की तरफ से मेरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टेस्ला सोलर के 3 किलोवाट के एक सोलर इन्वर्टर, जेए सोलर कंपनी के 400 वाट वाले मोनोपार्क टेक्नोलॉजी वाले 7 अदद सोलर पैनल्स और इसके अलावा फिनेक्स कंपनी की UGS 175 मॉडल की 2 बैटरियों की मदद से 3 किलोवाट का जो सोलर सेटअप है उसको लगाने की, उसको इंस्टॉल करने की प्रॉपर प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन जो है वो दूंगा और करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर सेटअप लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप कितने वाट का लोड चला सकते हैं और इसके ऊपर इस सारे सेटअप के ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर लोड की इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये बेसिकली एक मार्ट है, शॉपिंग मार्ट, और इसके लोड में शामिल हैं 3 अदद डीप फ्रीजर, 1 अदद चिलर जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल्स रखी जाती हैं, इसके अलावा 2 से 3 वॉल ब्रैकेट्स, फैन, 1 अदद कंप्यूटर और बाकी लाइटिंग लोड शामिल है। तो ये टोटल तकरीबन 1500 वाट के करीब लोड बनता है और इस 1500 वाट के लोड को चलाने के लिए दोस्तों, वैसे तो आप 3 किलोवाट के सेटअप के अंदर 4000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2800 वाट तक के सोलर पैनल्स इस्तेमाल करूंगा, यानी कि 400 वाट के 7 अदद पैनल्स लगाऊंगा। अगर आपने मुस्तकबिल में मजीद लोड इसके अंदर ऐड करना हो तो आप 3 इस तरह के और पैनल्स लगा सकते हैं। सोलर पैनल्स के बारे में बताऊं तो ये जेए सोलर कंपनी की तरफ से ये पैनल्स हैं, जेए सोलर के नाम से ये पैनल आता है और एक जो पैनल है इसकी पावर 400 वाट है और इसके अलावा ये मोनोपार्क टेक्नोलॉजी के अंदर ये पैनल आता है। एक पैनल के जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 49.5 है और इसके अलावा जो इसकी शॉर्ट सर्किट करंट है वो 10.3 है और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आपको इसके स्टिकर की फिनिशिंग से और इसकी क्वालिटी से ही अंदाजा हो रहा होगा कि ये टायर 1 A ग्रेड क्वालिटी का जो है वो सोलर पैनल है और ना सिर्फ स्टिकर बल्कि आप इसकी एल्यूमिनियम फ्रेम या फिर इसकी जो आउटर ये बॉडी है, जो फ्रेम है, इसकी क्वालिटी से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये एक अच्छी क्वालिटी का 400 वाट का बड़ा पैनल है। और प्यारे दोस्तों, सोलर इन्वर्टर के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो कहानी में है यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने अपने सामने इन्वर्टर रखा हुआ था जिसका मैंने आपको बताया था कि टेस्ला का 3 किलोवाट का इन्वर्टर मैं यूज करूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान है और वो ये है कि अब यहाँ पर मैं यूज करने लगा हूँ 1X कंपनी का 3 किलोवाट का VM3 इन्वर्टर और वो जो पहले मैंने आपको इन्वर्टर दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले जिसका मैंने नाम लिया था वो टेस्ला का VM2 मॉडल इन्वर्टर था और VM2 और VM3 में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है और वो ये होता है कि जो VM2 होते हैं इन्वर्टर चाहे किसी भी ब्रांड के हों उनके अंदर एक तो ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी नहीं होती, इसके अलावा उसके अंदर जो ये डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो डीअटैच नहीं हो सकती और दूसरी एक सबसे बड़ी खास बात वो ये कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1X सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड का मतलब दोस्तों ये है कि इस इन्वर्टर के अंदर ग्रिड शेयरिंग की यानी कि वापडा और सोलर दोनों मिक्सअप होकर जो है वो लोड को चला सकते हैं, लेकिन जो VM2 होता है उसके अंदर इस तरह का हाइब्रिड ऑप्शन नहीं होता, उसके अंदर बैटरी और सोलर जो है वो एट ए टाइम लोड को चला सकते हैं, यानी कि ग्रिड उसमें सोलर के साथ शेयरिंग नहीं कर सकता। और VM2 और VM3 दोनों किस्म की टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी सोलर इन्वर्टर आते हैं दोस्तों, इसकी कीमत के अंदर तकरीबन 9 से 10 हजार का फर्क होता है, तो आप अपने बजट और स्पेसिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए VM2 या VM3 दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अब यहाँ पर VM2 के बजाय VM3 मॉडल जो है वो यूज करूंगा और आप टेस्ला का VM3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं 1X कंपनी का जो VM3 3 किलोवाट का इन्वर्टर है ये भी 24 वोल्ट में आता है और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इस 1X के 3 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की रेटिंग और स्पेसिफिकेशन के बारे में गाइड करूँ और वो कुछ इस तरह से है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि ये एक MPPT सोलर इन्वर्टर है जो कि VM3 बेस्ड है, 3000 वाट का सोलर इन्वर्टर है। इसकी जो MPPT की वोल्टेज रेंज है वो 120 वोल्ट से स्टार्ट होती है और 450 वोल्ट DC तक जाती है और मैक्सिमम आप इसके साथ 500 वोल्ट तक जो है वो ओपन सर्किट में सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ जो सोलर पैनल्स आपने अटैच करने हैं वो 4000 वाट तक के सोलर पैनल्स को आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं और ये 3000 वाट का जो लोड है AC लोड उसको डायरेक्टली सोलर से चला सकता है और इसके अलावा जो इसकी बाकी फंक्शनिंग और पोर्ट्स की लोकेशन वो सारी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से है जिस तरह से वोल्ट्रॉनिक पावर कंपनी के बाकी इन्वर्टर्स में आता है। आप जानते हैं कि जितने भी पाकिस्तान में इन्वर्टर ये जितने आ रहे हैं, चाहे आप इन्वर्टर्स का इंतखाब करें, चाहे टेस्ला लें, चाहे 1X लें, चाहे क्राउन लें, सबकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो वोल्ट्रॉनिक पावर है और इसकी जो फिनिशिंग है और इसकी जो ये व्हाइट लुक है ये बहुत ही प्यारी है और 1X का इन्वर्टर काफी एक खूबसूरत किस्म का इन्वर्टर है। तो चलिए अब मैं आपको इस इन्वर्टर के साथ अब 3 किलोवाट का ये सोलर सेटअप इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं इन तमाम सोलर पैनल्स को, 7 पैनल्स को फिटिंग स्टैंड के ऊपर फिट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ
बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। और इसके अलावा दोस्तों सोलर पैनल्स की फिटिंग के हवाले से मैं आपको एक और जो है वो बोनस टिप देता चलूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इस तरह का आपने जो है वो देसी बना हुआ नट बोल्ट लेना है और इस तरीके से आपने एक वाशल रखनी है नीचे वाली साइड पे और दूसरी वाशल रखनी है ऊपर वाली साइड पे और उसके बाद आपने दूसरे नट के जरिए ऊपर से इसको टाइट कर देना है। इस तरह से जो मजबूती आती है वो इसके साथ जो आपको फिटिंग स्टैंड के साथ जो आपको नट बोल्ट मिलते हैं उनमें वो मजबूती नहीं आती जो इस तरीके से आती है और उसके बाद अच्छी तरीके से आपने इसको यहाँ से मजबूती से टाइट कर देना है। ये जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसकी दोनों साइडों पे अलग अलग नट बोल्ट लगाकर दोनों साइडों पे एक एक वॉशर रख के इसको प्रॉपरली मजबूती से टाइट कर दिया है। अगर आप इस तरीकाकार के बजाय पूरा एक ही जो है वो बोल्ट लगा के दूसरी साइड से टाइट कर दें तो फिर उस तरह से मजबूती नहीं बनती। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इन सोलर पैनल्स के फिटिंग स्टैंड या स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो यहाँ पर मैंने 16 गेज के गैल्वेनाइज जो है वो ये सोलर पैनल्स के फिटिंग स्टैंड का इस्तेमाल किया है और इनकी तरतीब कुछ इस तरह से है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि तीन बड़े पैनल्स को एक ही फिटिंग स्टैंड के ऊपर माउंट कर दिया गया है। यानी कि ये जो सोलर पैनल फिटिंग स्टैंड आता है दोस्तों इसमें दो तरह के आते हैं, एक फिटिंग स्टैंड होता है जिसपे दो बड़े पैनल जो है वो फिट हो जाते हैं और एक इस तरह का स्टैंड आता है जिसके ऊपर तीन बड़े पैनल्स को आप इजिली फिट कर सकते हैं। इसकी अच्छी खासी लेंथ होती है और इसमें आप देख सकते हैं कि तीन स्पोर्ट्स होती है, एक आगे होती है, एक सेंटर में और एक सबसे पीछे। ये 16 गेज में इसकी जो प्राइस है वो 4000 रुपए होती है। इसके अलावा जो इसमें छोटा स्टैंड आता है जिसपे एक वक्त में दो बड़े पैनल फिट हो जाते हैं उसकी जो प्राइस होती है वो 2500 रुपए होती है। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज वो ये है कि इस इलाके के अंदर जो तूफानी हवाएं हैं वो बहुत तेज चलती हैं तो उस चीज के लिए हम अपने सोलर स्ट्रक्चर को हवा से महफूज करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे स्ट्रक्चर के जो पांव हैं उनको नीचे सीमेंट और बजरी डालकर कंक्रीट माउंटेड कर दिया गया है। तो ये कंक्रीट करने का फायदा दोस्तों ये है कि अब अगर तेज हवा चलती है या तूफान आता है तो उससे आपके इन सोलर स्ट्रक्चर जो फिटिंग स्टैंड है इनको कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल मैंने 2800 वाट के पैनल्स यहाँ पर इंस्टॉल करने थे, यानी कि टोटल 4400 वाट के 7 अदद सोलर पैनल्स को मैंने यहाँ पर माउंट किया है, इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन पैनल्स को इस स्ट्रक्चर के ऊपर लगाया हुआ है, तीन पैनल यहाँ पे लगे हैं और एक 7वां पैनल यहाँ पर दोस्तों बच गया था तो उसकी वहां पर कोई प्रॉपर जगह नहीं बन रही थी तो उसको मैंने यहाँ पर अलग से इंस्टॉल कर दिया है और नीचे से थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी है ताकि ये जो चार दीवारी है इसका जो शेडो है इसका साया इसके ऊपर ना पड़ सके। और इन सातों के सातों पैनल्स की जो डायरेक्शन है दोस्तों उसको मैंने फुल साउथ की तरफ कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों इन तमाम पैनल्स का जो एंगल है वो इस इलाके के लैटिट्यूड एंगल के हिसाब से 25 डिग्री यानी कि 25 डिग्री मैंने सेट किया है। फिर इन सातों के सातों पैनल्स के दोस्तों मैं आपस में कनेक्शंस की बात करूं यानी कि इनको हमने सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में कनेक्ट करना है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैंने MC4 कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके इन सातों पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और सीरीज में कनेक्ट करने की वजह मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हमने यहाँ पर जो इन्वर्टर इस्तेमाल किया है दोस्तों वो 1x का 3 kW का इन्वर्टर है जिसकी MPPT की जो वोल्टेज रेंज है वो 120 वोल्ट से स्टार्ट होकर 450 वोल्ट तक जाती है जिसको आप मैक्सिमम 500 वोल्ट तक जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उस MPPT वोल्ट को ट्रिगर करवाने के लिए दोस्तों सबसे बेटर जो अप्रोच होती है वो यही होती है कि अगर आपका 3 kW का सेटअप है, 3 kW का सिस्टम है तो आप उसके अंदर जितने भी पैनल लगा रहे हैं उन सबको आप सीरीज में कनेक्ट करें तो फिर आपको ज्यादा बेहतर आउटपुट मिलती है, उसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो प्रॉपर ट्रिगर हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो उस तरह से बादल आने की सूरत में, क्लाउडी वेदर की सूरत में या फिर शाम के 4 बजे के बाद सूरज की जो धूप है उसकी इंटेंसिटी कम होने की वजह से जो उसकी MPPT वोल्टेज रेंज है उसमें कमी आ सकती है। और इसके अलावा दोस्तों इन पैनल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर खालिस कॉपर की इम्पोर्टेड 6 mm की तार इस्तेमाल की है, DC वायर। और मेरा मशवरा है कि जब भी आप अपने सोलर पैनल्स के कनेक्शन करने लगे तो आप कोशिश करें कि आप लोकल कोई कॉपर की वायर इस्तेमाल करने के बजाय इम्पोर्टेड जो बाहर से वायर आती है उस तरह की DC वायर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा एक और चीज के यहाँ पर इन सोलर पैनल्स के आपस में कनेक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पर MC4 कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया है और इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप यहाँ पर जैसे मैंने ये दो तारों को ज्वाइंट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, अब अगर आप 10 साल बाद भी खोलते हैं तो आपको ज्वाइंट बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगा, इससे जो वाटर प्रूफिंग है वो बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद दोस्तों मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की बात करूँ तो इसके अंदर मैं कुछ कंट्रोल एंड स्विचिंग डिवाइसेस, इसके अलावा प्रोटेक्शन डिवाइसेस और कुछ इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करने वाला हूं, जैसा कि AC/DC ब्रेकर्स, चेंज ओवर स्विच, वोल्ट मीटर और इसके अलावा ओवर एंड अंडर वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस शामिल है। और इन सब की जो वायरिंग है वो मैं प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से एक डक्ट के जरिए करने वाला हूँ और उसके बाद मैं इस सोलर इन्वर्टर की कनेक्शन ट्रे को ओपन करके इसके अंदर सोलर के पॉइंट्स के ऊपर सोलर की तारें और इसके अलावा AC इन और आउट की जगह 4 mm की AC वायर जिसको हम 736 कहते हैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ और उसके बाद मैं बैटरी के टर्मिनल्स को BC
अच्छी तरह से अटैच कर दूंगा। तो फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं इसके मेन कंट्रोल पैनल के बारे में, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दो मेजर चीजें इंस्टॉल की हैं। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये एक अदर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसको हम डीबी बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारी प्रोटेक्शन डिवाइसेज और सारी कंट्रोल डिवाइसेज लगती हैं। इसके साथ दोस्तों मैंने यहाँ पर 1X कंपनी का VM3 टेक्नोलॉजी वाला 3 kW का सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फिनक्स कंपनी की UGS 175 मॉडल की दो बैटरीज का जो है वो इस्तेमाल किया है, और इन दोनों बैटरीज को मैंने आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया है क्योंकि ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। यहाँ पर एक चीज याद रखें दोस्तों कि ये UGS 175 इसके एम्पेयर आर नहीं होते, ये इसका मॉडल होता है, एम्पेयर आर इसके 120 होते हैं, यानी कि ये जो UGS 175 मॉडल की बैटरी होती है ये 120 एम्पेयर आर की बैटरी होती है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की बात करूं और प्रोटेक्शन डिवाइसेस की बात करूं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो वायर मैंने एक 16 एम्पेयर का सिंगल पोल AC ब्रेकर लगाया हुआ है, ये बेसिकली इस इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए है, यानी कि जो हमने वाप्टा की सप्लाई इन्वर्टर में देनी है वो मैंने इससे गुजार के दी है, ताकि अगर मैं इसको ऑफ करना चाहूँ वाप्टा की इनपुट को तो वो मैं यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर एक अदर चेंज ओवर स्विच है, जिसके ऊपर जो सिलेक्शन नंबर 1 है वो वाप्टा के लिए है, और अगर आप इसको सोलर पे रखना चाहें तो उसके लिए मैंने 2 नंबर जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ है, अभी ये सोलर पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसके अलावा इसके साथ ये एक AC वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर प्रोटेक्शन डिवाइसेस की बात करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक अदद ओवर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई गई है, जिसका मकसद ये होता है कि अगर वाप्टा से आने वाले वोल्टेजेस में फ्लक्चुएशन आती है, वोल्टेज कम होते हैं, बिजली डिम होती है, या फिर एक खास हद से ऊपर जाते हैं, तो फिर ये डिवाइस आपके वाप्टा वाली इनपुट को बंद कर देगी और आपका इन्वर्टर सेफ हो जाएगा। ये तकरीबन 2500 की डिवाइस मिल जाती है, ये आपको जरूर लगानी चाहिए। उसके साथ ये एक अदर DC ब्रेकर डबल पोल लगाया है, जो कि सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई के साथ लगा हुआ है, और उसके साथ ये 125 एम्पीयर का बैटरी के लिए DC ब्रेकर लगाया है दोस्तों, और उसके साथ ये आउटपुट के लिए एक अदर जो हमारे नीचे लोड की तरफ जो आउटपुट जा रही है AC आउटपुट, उसके साथ ये एक सिमेंस कंपनी का 16 एम्पीयर का सिंगल पोल AC ब्रेकर मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बाकी पैरामीटर्स के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं कि इनपुट AC जो वाप्टा से इस वक्त आ रही है वो 215 वोल्ट है, और इस वक्त जो वाप्टा की फ्रीक्वेंसी है वो एज यूजुअल 50 हर्ट्ज है। PV से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो इस वक्त 247 वोल्ट है, शाम के 4 बजे का वक्त है। करंट जो है वो PV से आ रही है सोलर पैनल से तकरीबन 5.9 एम्पेयर। इसके अलावा PV से जो पावर जनरेट होकर आ रही है वो आ रही है तकरीबन 1.47 किलोवाट, यानी कि तकरीबन 1460 वाट जो है वो PV पैनल से पावर जनरेट होकर आ रही है। और बैटरीज के वोल्टेज आप देख सकते हैं इस वक्त 27 वोल्ट है, यानी कि बैटरी फुली चार्ज है। यहाँ पर ये लाइट भी सॉलिड ग्रीन है, और इसके अलावा ये आउटपुट की फ्रीक्वेंसी आ गई 61% दोस्तों। यहाँ पर मैंने लोड ऑन किया हुआ है और ये 61% लोड तकरीबन बनता है 1.6 किलोवाट, यानी कि 1600 वाट का लोड इस वक्त ऑन है हमारा। और इस 1600 वाट के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 अदद फ्रीजर चल रहे हैं, 1 अदद चिलर ऑन है, बाकी 1 अदद कंप्यूटर चल रहा है, कुछ ब्रैकेट फैन है, और इसके अलावा लाइटिंग लोड भी सारा ऑन है। तो 1400 वाट दोस्तों आ रहे हैं सोलर सिस्टम से और लोड है हमारा 1600 वाट, तो ये बाकी जो 150-200 वाट का फर्क है ये वाप्टा से पूरा किया जा रहा है। और यही चीज मैं आपको बिजली के मीटर के जरिए वेरीफाई कराऊं तो आप यहाँ पर अभी 5 नंबर रीडिंग के जरिए देख पाएंगे कि सिर्फ 165 या 150 वाट के करीब लोड जो है वो वाप्टा से शेयर हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस सोलर इन्वर्टर की जो सेटिंग है उसको SUB के ऊपर सेट किया है। अगर आप चाहते हैं कि वाप्टा से बिल्कुल कोई लोड ना चले तो फिर आप इसकी सेटिंग को SBU के ऊपर सेट कर दें। और आज के इस पूरे दिन के अंदर दोस्तों इस 3 किलोवाट के 1X के इन्वर्टर ने 4.29 किलोवाट आवर बिजली जो है वो पैदा की है, यानी कि 4.25 यूनिट इसने टोटल PV से आज जनरेट की हैं। वैसे आज 11-12 बजे तक जो है वो वेदर क्लाउडी था, बारिश आई हुई थी लेकिन फिर चली गई इत्तेफाक से, और उसके बाद जो है वो वेदर सनी हुआ, और उसके बाद से लेकर टोटल 4-5 घंटों में इसने 4.29 यूनिट जो है वो टोटल बनाए हैं, बिजली पैदा की है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट के बारे में बताऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि 44 रुपए पर वाट के हिसाब से 7 पैनल की जो प्राइस है वो तकरीबन 1,24,000 बनती है। 61,000 रुपए का ये 3 किलोवाट का 1X का इन्वर्टर है। इसके अलावा 15,000 की ये 2 अदद बैटरीज हैं, और इसके अलावा इन सोलर पैनल्स के फिटिंग स्टैंड्स, DB बॉक्स, इसकी प्रोटेक्शन और कंट्रोल डिवाइसेस, और इसके अलावा फिटिंग का सामान, डक्टिंग वगैरह, और AC और DC वायर्स, और इंस्टॉलेशन और सर्विस चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मिलाकर इस पूरे सिस्टम के ऊपर तकरीबन 2,80,000 पाकिस्तानी रुपए जो है वो कॉस्ट आई है। अब फाइनली दोस्तों इस मार्ट के जो ऑनर है रफाकत भाई, जिनके मार्ट की छत के ऊपर हमने ये 3 किलोवाट का सोलर सेटअप इंस्टॉल किया है, तो अब मैं चाहूंगा कि आखिर में मैं रफाकत भाई के जो है वो रिव्यूज लूं। तो रफाकत भाई अब हमें बताएंगे कि इनको हमारी सर्विसेज कैसी लगी हैं, और ये जो सोलर सेटअप हमने इनको इंस्टॉल करके दिया है क्या ये इससे सेटिस्फाई है या फिर नहीं।
थैंक यू जी आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम टीम का जिन्होंने मेरे मार्ट पे सोलर इंस्टॉल किया है। ये एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल जो है वो मैं स्ट्रेस फ्री जो है वो फील कर रहा हूँ कि हमारे मार्ट के अंदर इससे पहले जो है वो इतना जो इलेक्ट्रिक पे चलने वाली चीज़ें वो एक टाइम पे कभी भी नहीं यूज़ हुई, हमें स्टेप वाइज जो है वो चीज़ें यूज़ करनी पड़ती थी। अभी जो सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है उससे ये है कि हमारे 3 फ्रीजर्स, 2 चिलर, उसके बाद 4 पंखे, एयर कूलर और प्लस लाइट्स, ये सारी एक टाइम पे ऑन हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इनकी जो फिटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे विंड प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो जगह है ये एक सोसाइटी है और यहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन ढलान है जिस वजह से हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है। इन्होंने जो सेटिंग बनाई है उसकी वो बहुत मजबूत है, उससे मैं बहुत मुतमइन हूँ कि कोई भी मतलब हवा का या किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा मेरी बिल्डिंग को और मेरे सोलर पैनल्स को भी। और सेकंडली इनकी टीम बहुत कोऑपरेटिव है, इन्होंने जिस तरह मतलब पहले भी मुझे एक जगह पे मेरे घर पे इंस्टॉलेशन की है मेरे सिस्टम की, उसको देखते हुए मैंने ये फैसला किया था कि मैं यहाँ पर भी इंस्टॉलेशन करवाऊँगा। आमिर भाई और इनकी सारी टीम जो है वो माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है और जब भी कभी सर्विस की ज़रूरत पड़ी है इन लोगों ने ऑन टाइम हमें सर्विस प्रोवाइड की है। तो थैंक यू सो मच अमर भाई आपकी सर्विस का। और साथ में ये है कि हम बहुत मुतमिन, अब ये है कि बिजली का बिल जो है वो बहुत मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल जो है ना वो ना होने के बराबर आएगा, क्योंकि हमारा हमने जितना लोड था उसके तहत हमने इंस्टॉलेशन करवाई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज के ये 3 किलोवाट के सेटअप की इंस्टॉलेशन की वीडियो जो है वो काफ़ी हद तक पसंद आई होगी और इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम के हवाले से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या अगर आपका कोई सवाल है तो आप यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सोलर सिस्टम से रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हैं या फिर आइंदा भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप इंटरेस्टिंग वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल AJ Electric को सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।